हेलो एवरीवन, लेट्स सी कैसा होता है आज का शो हमारा। थोड़ा सा नर्वस हूँ बट एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, कुछ अलग करने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है गाइस। लेट्स गो एवरीवन, जाते हैं अभी शो की तरफ, बढ़ रहे हैं, देखते हैं कैसा होने वाला है आज का फर्स्ट एपिसोड। बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छी बात ये है ना कि जो पहला गेस्ट आ रहा है ना, उससे थोड़ा कम्फर्ट जोन है मुझे, उसकी थोड़ी वाइब भी मैच होती है अपने से। आगे की बातें मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताऊंगा। आप लोग का प्यार और सपोर्ट आज मुझे मेरी गाड़ी पे एक नई जर्नी पे लेके जा रहा है, तो लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहो, इस शो को तो बैंग कर देंगे हम लोग। लेट्स गो गाइस, वूहू। तुम्हें पता है हम पहली बार कहाँ मिले थे? अच्छा आपको पता है? नहीं। गजब बेइज्जती है। है ना? 2009। 5 साल। दूसरों से सुनोगे तो हमें बुराई पाओगे। हाँ देखा मैंने तुम्हारे ही डायलॉग का वीडियो। प्लीज मत निकालो ना, प्लीज। क्यों? प्लीज मत निकालो। तो मुझे लगा था इसे राजीव को कॉल करके थोड़ा बिच करती हो अबाउट सेक्स। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो आउटफिट वेयर करते हो, रिपीट करते हो, तो ये रूमर नहीं है, 100 से भी ज्यादा है। हे गाइस, हेलो एवरीवन। गाइस मेरी अम्मी बोलती है कि ना, अच्छा काम करेंगे ना तो अच्छे कर्म होते हैं, और जब अच्छे कर्म होते हैं ना, जाहिर सी बात है हमें जन्नत मिलेगी। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे भी जन्नत मिलेगी। जन्नत मिल गई गाइस। हाय जन्नत, हाउ आर यू? हाय, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो कैसी हो तुम, और आज का मौसम कैसा है, और तुम कैसा फील कर रही हो मेरे शो पे आके? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे शो का फर्स्ट एपिसोड है। हाँ, बारिश नहीं हो रही है तो अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है, न्यू सॉन्ग कब आ रहा है? अभी न्यू सॉन्ग का तो कुछ प्लान किया नहीं है, क्योंकि अभी जो आया है इंडिपेंडेंस डे के लिए जो गाना आया था वो भी अच्छा बहुत रिसेंट। थैंक यू। वो बहुत अच्छा था, लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पे। मैं सोचा कि मेरी जो पोस्ट कर रहा हूँ फोटो, उसके अपने रील साउंड पे डालूं। तो क्यों नहीं डाला? क्या होता है ना, अक्सर है ना, आप अपना है ना, जब थोड़े नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं ना, तो आपको एक मैनेजमेंट टीम लगती है जो थोड़ी सी बेवकूफ हो जाती है कभी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने उन लोगों को बोला था कि इस पे वो साउंड यूज करना, बट वो नहीं कर पाए। कोई बात, अगले साल यूज करेंगे। चालाक ब्रो, चालाक। प्रमोशन छूटना नहीं चाहिए गाइस। अभी देखो, ये एक जो सवाल मैं तुमसे करने वाला हूँ ना, ये मुझे पता है तुम्हारे डे टू डे लाइफ में कैसा चल रहा है। क्या? बट सवाल आएगा, पहले मुझे पूरा बोल दे दो। ओके। जैसे तुम अपनी पर्सनल लाइफ और अपना जो प्रोफेशन है उसको किस तरीके से बैलेंस करती हो? मैं बैलेंस करती नहीं हूँ अब इंटेंशनली, वो ऑटोमेटिकली होता है, और वो कैसे होता है वो मुझे नहीं पता। हमारा इस शो का ना कुछ सेगमेंट है। ओके। आपका फोन मुझे दो। ओके। डिलीट नहीं करना। अरे साइलेंट। तो ये जो आपका फोन है और ये जो मेरा फोन है, इनको हमें हाथ नहीं लगाना है, हमें त्यागना पड़ेगा। बस डैडी का फोन आएगा तब। ठीक है। ठीक है। तो हमें ना 2 से 3 चीजें हैं जो हमें एकदम अवॉइड करना है। रील्स नहीं यूज करना है, यूट्यूब नहीं यूज करना है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और कॉल्स नहीं उठाना है किसी के भी, सिर्फ डैडी के छोड़ के। मुझे अपने घर जाना है। और अगर तुमने इन सारी चीजों में से कोई भी एक चीज की तो उसकी होगी पनिशमेंट। ठीक है? ठीक है। अच्छा आपको पता है? नहीं। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है हम पहली बार कहाँ मिले थे? हाँ, मतलब तुम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जो सबको पता है। नहीं। हाँ? सबको तो नहीं पता। सबको पता है, सबको पता है कि हम कहाँ मिले थे। हाँ। बट सबको पता है कि हमने एक दूसरे को एयरपोर्ट पे कहाँ देखे थे। हाँ, तो बेसिकली तुम ये पूछ रहे हो कि फर्स्ट टाइम कहाँ एयरपोर्ट पे भी किस लोकेशन पर मिले थे। हाँ। तुम आई थिंक बोर्डिंग कराने के लिए आई थिंक थोड़ा लेट वेट होकर ऐसे ऐसा वो हो रहे थे, थोड़ा परेशान हो रहे थे, शायद तुम लेट हो गए थे। क्योंकि मैं थोड़ा नया था ना एयरपोर्ट पे, मुझे पता नहीं था क्या हाँ, और मैं डैडी को शायद बोला भी था, डैडी ये वो फेसबुक। बट मैंने ना सबसे पहले ना तुमको ये बात मैंने बताया नहीं, बट मैं सबसे पहले ना तुमको मैंने गेट पे देखा था। कौन से गेट? एयरपोर्ट के। तो मैं सोच रहा हूँ एक वहाँ से ऐसा राउंड मारते हुए जाते, मैं तुमको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा। जब हमने बेल्ट क्रॉस किया था चेकिंग के बाद, तब मुझे प्रतीक ने बताया था ओके कि ये जन्नत जुबैर है।
जिसका आप रील पे बोलते हो कि इसको इतने व्यूज और लाइक्स क्यों है? अच्छा क्यों है? तो देखो तुम अच्छी तो दिखती हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे नंबर भी बहुत ज्यादा है, बट कैसा है ना कि तुम बड़ी कम वीडियो डाल के भी तुम्हें इतना ज्यादा लोग पसंद करते थे और इतना लाइक करते थे, वो हम लोग के दिमाग में सेट नहीं हो पाया वो चीज। हम सोचते थे कि सिर्फ मेहनत ही करना पड़ता है, यार अच्छा भी दिखना जरूरी है, तो दिखी दी थी, इसलिए इसको इतनी लाइक्स और कमेंट्स आते थे। और ये इतना शाय था, ये इतना शाय था, ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कौन ही है क्या ही है, ये पहली बार इंसानों को देख रहा है, ये इतना ज्यादा शाय था। मुझे तुमको देखकर बहुत हंसी आ रही थी। हां, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारा पूरा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा फेस बहुत ही अच्छा। मतलब अच्छा ये बताओ कि पहले के कंपैरेटिवली अभी बहुत बहुत फर्क है तुम में, तो बहुत ज्यादा, मतलब तुम तो सेम इंसान ही नहीं लगते हो। नो इन अ गुड वे, कि तुम तभी बहुत बहुत ज्यादा चाइल्डिश भी दिखते थे, एज इन उस टाइम के तुम और अभी के तुम में आई थिंक कितना 4-5 साल का फर्क है ना? है ना, 2009 6 साल, 5 साल। हम मिले थे उसके कुछ दिन पहले, मैं इसने हाथ लगाया फोन को, नहीं, सर का फोन आ रहा है, जिसका भी फोन आ रहा है, नहीं दिखाऊंगी मैं, नहीं, इसने फोन को हाथ लगाया, अभी पनिशमेंट बताना पड़ेगा उसके पहले। तो अभी बात क्या हुई थी कि किसका भी फोन आएगा एक्सेप्ट फॉर डैडी, फोन को नहीं हाथ लगाना है, क्यों लगाया हाथ? ठीक है, मेरे को दे देना पनिशमेंट। ऐसा रोते क्यों, ऐसा ये चीटिंग है, ऐसा नहीं करने का, खुद रूल्स बनाते हैं अपने ही उसके और फिर बाद में रोते हैं। कोई बात नहीं, टाइम प्लीज बोल देते, नहीं बोला आपने, चलिए नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू, इनकी पनिशमेंट दिखेंगे हम क्या है। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें क्या है, मैं कुछ बोल रही थी। अच्छा ठीक है, बोलो, ये बहुत जरूरी है। मैं ये बोल रही थी कि हम जब मिले उसके आई थिंक 3-4 दिन पहले मैं लाइव गई थी और उसपे मुझे किसी ने पूछा था क्या आप फैजू 07 को जानते हो, और मैंने बोला था नहीं मैं नहीं जानती। मैंने वो वीडियो देखा था, इसने ये वीडियो देखा था। उस टाइम पर मैं नहीं जानती थी, मतलब मैंने, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे पता ही नहीं वो है कौन, इंसान कहाँ एग्जिस्ट करता है, मेरा मतलब था कि मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ उसको। मेरे को याद है वो, मैं जब थर्ड टाइम आया था घर पे वीडियो शूट करने के लिए, मैंने वीडियो सेव करके आया था गाइस, मैंने बोला ये वीडियो अभी का है पहले का है, मैं पूछा इससे कि ये तुम ऐसा क्यों बोली कि मैं नहीं जानती। अब वो रहता है ना लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड गाइस, तो हो सकता है कि बोल दियो नहीं मैं तो नहीं जानती। तो इसमें हम शूट करेंगे, सॉरी गाइस, मैं शूट करने के पॉइंट से फोन को हाथ लगाया हूं, बट एक पनिशमेंट तो पेंडिंग है। ठीक है, एक पनिशमेंट पेंडिंग है, पता नहीं वो किस बात की पनिशमेंट है, बट ठीक है। 4 साल बाद एक लड़की को मैंने यहाँ देखा था गाइस, अभी मैं उस लड़की के साथ में हूँ। और मैं उसे बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पहली बार कहाँ देखा था। देखो ये जो क्यू दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन में तुम डैडी के साथ में अंदर पास हो रही थी, तभी लाइन नहीं थी। ओके, तभी लाइन नहीं थी और मैं यहाँ से जस्ट एंटर हो रहा था। ओके, मैं गाइस मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैं ये लाइन से एंटर हो रहा था, यहाँ से एक क्यू है, इधर से एंटर हो रहा था, सामने आप क्यू देख सकते हो, वो जो क्यू है ये क्यू है, ये इधर से, ये तभी क्यू नहीं था, गेट नंबर 4 है, यहाँ से एंटर हो रहे थे। फेसबुक की मेमोरी कमेंडेबल है, उसको गेट नंबर भी याद है, मुझे नहीं पता ऐसे तुक्का मार रहा है कि गेट 4 दिखा देता हूँ मैं। गाड़ी मेरी इलेक्ट्रिक नहीं है, अगर मैं डीजल खर्चा कर रहा हूँ तो मैं बराबर एग्जैक्ट लोकेशन तक तो लेके आऊँ। जी ऐसा कंजूस वाली बात क्यों, क्या? अच्छा एक चीज बताओ, नेगेटिव कमेंट और जो क्रिटिसिज्म है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो? मैं बेसिकली उनको कुछ खास तरह से हैंडल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनको अपना टाइम और दिमाग दूँ कि मैं उन्हें हैंडल करूँ। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या लगता है कि बाप रे, क्योंकि वो कभी कभी सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, वो फैमिली पर आ जाते हैं, काम पर आ जाते हैं, भाई पर आ जाते हैं, हर एक चीज़ पर आ जाते हैं, मतलब आपकी, आपको लगता है अपनी, हाँ आप अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लगो, इतना हद तक के बोलते हैं, यू नो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आपके लिए कुछ खराब बोल रहे हैं या कोई चीज अच्छा भी करो तो भी, मतलब उसको हाँ, तो मतलब पॉइंट नहीं बनता। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, इतना हमने क्या बुरा किया है जो ये हमें सामने से मिल रहा है। तुम कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि मेरे से ज्यादा आई थिंक तुमने ये सारी चीजें फेस करी हैं। तो मतलब तुम मुझे इनडायरेक्टली बोलना क्या चाह रही हो कि तुम ज्यादा अच्छे हो हैंडल करने में? देखो मैं सच बताऊं, क्योंकि मैंने देखा है ना, तुमने जो बोली ना वो सारी चीजें ना मैं अपने दिल और दिमाग में रखता हूँ, बट एक ही चीज करता हूँ पूरी तरीके से इग्नोर करना, क्योंकि मुझे पता है कि देखो यार किसी में अगर कोई बात है ना तो उसके लिए उसकी बात होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
किसी की प्रोफाइल देख के किसी को जज करना लोगों के पास में एक ही सेकंड है, फट से लिख देना ए, चल बे ये तू, चल बे वो है तू। हाँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इग्नोर करूँ। दूसरों से सुनोगे तो हमें बुरा ही पाओगे। हाँ, देखा मैंने तुम्हारा ये डायलॉग का वीडियो, हमसे मिलके जाओगे तो मुस्कुराते जाओगे। ओहो, लोग इंस्पायर हो रहे हैं उससे यहाँ पे। मुझे एक बात जाननी है, ये गाड़ी को 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये प्लास्टिक जो इस पे चिपकी हुई है इसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्योंकि ना एक लड़का है ना अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है, तो वो निकल जाएगी तभी भी प्यार करोगे? डस्ट आएगा, साफ कर देना, इसको मेरे को निकालने दो। प्लीज मत निकालो ना, प्लीज क्यों? प्लीज मत निकालो, गाड़ी चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए कुछ चीज ऐसी नई नई लगती है तो उसे रहने देना। नहीं, हटा देना चाहिए उसको। तुमको निकालना है? हाँ, निकाल दो। पैसा तो मैं डैडी से ले लूंगा। प्लास्टिक का पैसा लोगे तुम मेरे डैडी से? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता। अब देखो उसको, 2 साल बाद अपनी गाड़ी को तुमने पूरा छुआ भी नहीं, छुआ। समझे? कितने टाइम से रेगुलर जिम कर रही हो तुम? मैं कर रही हूं, रमजान में मैंने स्टार्ट किया था। ये रमजान में? ये रमजान से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, रेगुलर? रेगुलर मतलब रेगुलर मतलब ये मतलब मैं जा रही हूं, 2-3 दिन का भी गैप होता है बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि रोज कर रही हूं मतलब, लेकिन मेरे लिए ये रेगुलर है क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना कंसिस्टेंट भी रही हूं। 4 महीने तो हो गए ना, अप्रैल में था ना रमजान। हां, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी अराउंड 8-9 साल से जिम कर रहा हूं, जिसमें मैं छोड़ पकड़ करता रहता हूं, करते रहता हूं। हां वो तो होगा ना, क्योंकि मुझे याद है खतरों के टाइम पर भी हमारे होटल का भी जिम, तुम्हें समझ नहीं आता, जो सामने होटल था वहां पर एक जिम था, ये जाकर उसकी मेंबरशिप लाया था और वहां जाकर सुबह जिम करता था, और हम जब निकलते थे तो सुबह के 6:30 बजे बस में बैठ जाना पड़ता और पूरा अंधेरा रहता था उस टाइम पर, और ये उसके भी पहले जाता था जिम, तो ये कब उठता होगा और कब जिम जाता होगा, मतलब पूरा दिन हम जो करते थे सारे स्टंट्स में तो पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती थी और कई हद तक कि वर्कआउट भी हो जाता था। अच्छा मुझे बताओ खतरों का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? मेरा बहुत, मतलब आई थिंक अब तक का सबसे एक्साइटिंग और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, जब मैं बात भी करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खतरों के बारे में, वही फील होने लग जाता है कि वापस से खतरों में आ गए। हाँ, सच में यार मुझे लगा नहीं था ना कि मैं आगे चली जाऊंगी इतना और मैं अच्छा करूंगी, अरे मुझे ही नहीं लगा था, किसी को नहीं लगा था, तो मैं तो किसी को ब्लेम भी नहीं करती अगर कोई बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप कर लोगे। आई थिंक जब हम फोटो शूट के लिए गए थे तभी तुमको पता चला था, तुमने क्या सोचा था? नहीं, उसके पहले मेरे को ये पता था कि तुम, मुझे अंदर से पता चला था कि तुम्हारा भी खतरों में हो रहा है, ठीक है, और मैं ये सोच रहा था कि जन्नत भी जा रही है खतरों में। फिर उसके बाद में मुझे इन लोगों की टीम से पता चला, खतरों के टीम से पता चला कि नहीं, जन्नत का नहीं हुआ, जन्नत नहीं जा रही है, जन्नत नहीं करेगी बोल रही है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने अपना कैंसिल कर दिया। एक होटल था जूह पे जहाँ पे तुम्हें मैं देखा था, तो वहां से निकलते वक्त मुझे कल्प का या किसी का कॉल आया, बोले कि जन्नत भी आई है, वो भी बाइट दे रही है, तो फिर मैं बोला यार जन्नत तो उसका तो कैंसिल हो गया था, वो नहीं आ रही थी, और ये सब कब हो गया? मतलब मैं चला गया, बाकी सारे कंटेस्टेंट खड़े हैं, फोटो शूट हो रहा है, बोला यार मैं लेट हो गया यार, इसमें मैं जा नहीं पाया, मैं देखा तो तुम भी वहां पे मौजूद, तो मैं बोला चलो तुम भी आ रही हो खतरों में। फिर थोड़ा थोड़ा करते करते जैसे जैसे वीक बढ़ते गया, वैसे वैसे तुम जो दिखाते गई ना अपना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसमें समझ में आ गया कि हाँ ये तो बहुत लंबा खेलने वाले। तुम बताओ। मैं क्या बताऊं कि तुम्हारा क्या प्लान्स है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स? देखो मैं सच्ची बताऊं तो मुझे इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट है मूवी में। अभी देखो ऐसा टाइम आ गया ना इंडस्ट्री में कि बहुत जल्दी ना लोग है ना एक एक्टर को जज कर लेते हैं, यार ये अच्छा एक्टर नहीं है, यार ये अच्छा एक्टर है, और मुझे ना अपने को ना मेरे को खुद को उस जगह पे नहीं लाना है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना यार कि मैं पहली मूवी ऐसी करूँ ना कि जो लोगों के ना भले वो एवरेज है, मूवी एवरेज जाए या जैसी भी हो, बट मैं मूवी अच्छी होनी चाहिए और तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए, मेरा काम अच्छा होना चाहिए। हाँ। थिएटर से निकलने के बाद में ये बोले कि यार पैसे वेस्ट हो गए, या तो लोग बोले यार स्टोरी अच्छी नहीं थी, यार स्टोरी अच्छी थी हीरो अच्छा नहीं था, हीरो दिखने में अच्छा था मगर बोल नहीं सकता है, उसको एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी नहीं आती। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना अच्छे से अपने आप को तैयार करूँ और इतना अच्छे से पका के अपने आप को जाऊँ, सर्व करूँ कि लोगों को मजा आ जाए। खतरों के टाइम पे मैंने पूरी कोशिश किया कि यार
मुझे एक जन चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से मैनेज नहीं कर सकता हूँ चीजें, मैं कर सकता हूँ खुद से मैनेज, बट क्या ना आदत नहीं थी। मैंने इतना सोर्स लगाया, इतनी कोशिश किया, बट उन लोगों ने अलाउ ही नहीं किया कि कोई किसी को भी मैं लेके आऊँ। और मैं देख रहा हूँ कि यार तुम्हारे साथ में तुम्हारे डैडी भी आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारे डैडी के पास गया एयरपोर्ट पे ही अंदर लाउंज में, बोला अंकल आप किसे है? तो बोले नहीं मुझे तो अलाउ किया उन लोगों ने, बट वो था कि जन्नत बाकी सारे कंपैरेटिवली सारे सबसे छोटी थी, इसलिए तुम्हारे डैडी को अलाउ किए थे उन लोगों ने, और डैडी नहीं आते तो मैं नहीं आ पाती। हाँ, और वो भी एक रीजन था। सबसे सबसे अच्छा कंटेस्टेंट कौन सा लगा तुम्हें, मतलब एज अ फ्रेंड? यार मेरे ना सबके साथ इक्वेशंस बहुत अलग रहे, मतलब शिवांगी के साथ मेरा इक्वेशन तुम्हें तो पता ही है कि मतलब हम इतने साल तक के कुछ हाय हेलो भी नहीं करते थे, और वहां पर जाकर दो ही दिन में हम इतने ज्यादा वो हो गए जैसे कि हम तो वहीं से दोस्त हैं। नहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम लोग दोनों ने सोच रहे थे कि यार अभी तो झकमरा के शो में रहना ही है इतने टाइम। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमको भी पता है एक दो लोग थे जिनके साथ मेरा नहीं हुआ, तो उनके साथ लास्ट तक नहीं हुआ। कौन था वो? खुद तो कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता है तो आपने पूरी कोशिश किया है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने का, लेकिन मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। मस्ती कर रहा हूं मैं, पता हरामी हो बेटा, मैं नहीं कर रहा हूं कोई कंट्रोवर्सी, बट तुमने ऐसा बोली ना कि तुमसे सबसे तुम्हारा अच्छा बॉन्ड था, तो वही हिसाब से मैंने बोला कि यार ये क्या बोल रही हो। देखो कितना अच्छा लोकेशन है ना, अभी हम लोग कहां है पता है? बांद्रा सीलिंग पे, सबसे हैपनिंग लोकेशन ऑफ मुंबई, सबसे हैपनिंग, मतलब सबके इंस्टा स्टोरीज अगर यहाँ पर आए हैं तो जाने ही जाने हैं सीलिंग के। सही, कल मैंने गाड़ी चलाई वैसे सीलिंग पर, कल यहाँ पे, कल ही हम, हाँ मैं कल ही टाउन गई थी। बेसिकली गाड़ी मैं चला रही हूँ 3 दिन से। वैसे तो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली गाड़ी मैंने चलाई थी 13 दिन की वे में, वो जो हमारा फर्स्ट सीन है उसमें, और उसके लिए सबसे पहली तुमने फरारी लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी होने के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? पॉजिटिव काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब आप खुद भी एक सोशल मीडिया स्टार हो, आई थिंक ये जो लाइफस्टाइल है और जिस तरह से हमें प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, हम जहाँ जाते हैं लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमें प्यार करते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हाँ, ये जो अटेंशन मिलता है आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहिए कि हाँ यार हमारे साथ भी ऐसा हो, हमें भी लोग इतना प्यार करें। नेगेटिव भी पता इसी में से आता है, जो चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर टाइम इंसान सेम जोन में नहीं होता है। जैसे कई बार रेस्टोरेंट्स में मोस्टली जब मैं कुछ खा पी रही होती हूँ और उस टाइम पे लोग फोटो ले रहे हैं, छुपके से ले रहे हैं, या ऐसा लगता है कि कभी आपको कोई फोटो चाहिए तो आप प्लीज आओ पूछो और पिक्चर ले लो, बट कई सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि नहीं ले रहे हैं और छुपके से ले रहे हैं। इंसान क्या कर रहा है, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम भी खुलकर बाहर घूमना चाहते हैं। और मैं तो बहुत रैंडम रहती हूँ, मतलब कोई भी मॉल जाती हूँ, कहीं पर भी घूमती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि अरे यार फैंस मिलेंगे, मुझे ये सब नहीं जाना चाहिए या करना चाहिए, बट कई बार ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ऐसा लगता है कि यार प्राइवेट कुछ भी नहीं है हमारा, मतलब हमारा हाँ मतलब थोड़ा तो प्राइवेट रहने दो, मत लो पिक्चर प्लीज, मत वो करो। तो आई थिंक ये सब कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे प्लस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा है, तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ मेरे हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मैं बोलूंगा ना, अगर मेरे घर वालों के सामने कोई ऐसा आता है ना, बोलता है भाई फोटो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा क्या था या क्या मैंने कर लिया मेरी लाइफ में, बट मेरे घर वाले आज ये चीज देख के प्राउड फील कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ। और नेगेटिव पॉइंट क्या होता है पता है, मैंने नोटिस किया उस चीज को 2-3 बार है ना, मतलब ऐसे फैमिली में इशू हुआ है जो अर्जेंसी में हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़े या अर्जेंट में कभी हॉस्पिटल पहुंचना पड़े, और फिर वो सिचुएशन ऐसी नहीं रहती है कि घर वाले भी खड़े हैं, बट फैंस हैं उनकी तो यही रिक्वायरमेंट है ना कि यार फैसो दिख गया है, जन्नत दिख गई है, फोटो तो लेना है, तो वो सिचुएशन पे भी अगर फोटो देना पड़ता है ना तो वो थोड़ा सा खराब लगता है। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार दे दो, 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, 4th बार भी आते हैं, फिर से वो ब्लर हो गई थी उसमें आपकी आंखें। लेकिन कई बार अपना भी एक जोन होता है कि यार बस भैया आप ले चुके हो, बस हो गया, नहीं थैंक यू। मेरे से ना एक फैन मिला था, ठीक है, मैं तभी थोड़ा सा ग्रो हुआ था, और है ना उसको है ना इतना क्यूट फेस देख के ना मेरे को ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं उसको छोड़ के जाऊं वहां से, तो मैं उतरा गाड़ी से, मैं पैदल गया, वो भी आया सामने से, और है ना उसने ना पता नहीं बहुत एकदम ऐसा मूवी सीन जैसा था, बट वो मैं फैन को ना मेरी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। वो फैन कैसा था पता है, वो आया, मैंने बोला भाई फोटो लोगे,
भाई क्या है वीडियो बनाना है, तभी टिकटॉक का टाइम था तो वो बहुत ही क्यूट बच्चा था, सर पे टोपी थी और मैंने उसको बोला फोटो, बोले मेरे पास फोन नहीं है, तो मैंने बोला आप मेरे को देखते कैसे हो, बोले घर में डैडी के फोन से, तो मैंने बोला अच्छा, मतलब फोटो कुछ भी लू ऐसा वैसा, तो उसने कुछ बोला नहीं और ना उसने बोला मेरे को ना सिर्फ आपसे गले मिलना है। वो लड़के ने जब मेरे को गले मिला ना, तो वो लड़के जैसा फैन, ऐसे फैन बहुत सारे हैं, बट मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं खुद में कुछ हूँ और मेरे भी ऐसे फैन हैं जिनको फोटो वीडियो से मतलब नहीं है, बट वो मुझे देख के उसके आंख में आंसू था, मैं उससे गले मिला, मैं उसके साथ में फोटो लिया एक सेल्फी और मैं गया वहां से, और वो फैन मेरे आज तक दिमाग में छपा हुआ है। पीछे बोले हाँ। बोल को उठाओ, ठीक है, ये डेयर गेम है। ओके। जो चीट्स आएंगी हाँ। और जो भी एक्टिविटी रहेगी वो करना पड़ेगा, ये डेयर तुम्हारे लिए। रेडी? रेडी। कॉल आवर म्यूचुअल फ्रेंड एंड बिच अबाउट मी। ओह नो। चलो ओके, बताओ किसको कॉल करने जा रही हूँ। साक्षी? नो। शिवांगी? नो। राजीव अदातिया? हेलो। हेलो। हाय राजीव। हाय लवली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो राइट नाउ कैन आई लिव? नो, राइट नाउ आई एम वेरी वेरी पिस्ड। व्हाई? बिकॉज़ आई थिंक फेजो इज रियली वियर्ड। नहीं यार, प्यार है, मेरा बच्चा है, ऐसे क्या होता है। नहीं यार, पर मुझे थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड सा लगता है, मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और फिलहाल तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं उसका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मुझे लगा आई शुड कॉल यू एंड विच अबाउट हिम। व्हाई वुड यू बी जस्ट विजिट टू मी? तुझे पता मिस्टर मुगाने इसके बारे में? एक सेकंड, मुझे लगा था मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, तुम मेरा साइड लोगे थोड़ा सा। तू मेरा छोटी बहन, वो मैंने नहीं पाया यार, तो बेचारे मैं तो बोल, देखो तू भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मैं उसको भी कार के तुझे ही प्यार करता। अच्छा है बेचारे, क्या काम कर रहे तू? पता नहीं, बस उससे कभी कभी उसको देखे थोड़ा सा। उसने क्या डाला इंस्टाग्राम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे लगा था ऐसे राजीव को कॉल करके थोड़ा बिच करती हूँ अबाउट फेसबुक। नहीं यार, मुझे फसाना मत बीच में। आई बड़ी सती सावित्री तेरा है गेम प्ले, मुझे पता है, मुझे मत करो, मेरे भाई के मारे मत करो, उसने मुझे प्रॉक्सी किया हमेशा जिंदगी में लाइफ। ओ राजीव, लव यू मेरी जान, लव यू। हम फेजू के पॉडकास्ट में हैं, ये फेजू का पॉडकास्ट है, ये सब रोल हो रहा था और अब आप इसके एपिसोड में आओगे, सी हाय टू द फैंस। तो ये बात है कोई है कि राजीव फैजू का कितना लॉयल फ्रेंड है, yes, कि उसने फैजू के लिए कुछ भी नहीं सुना। मेरे दिल में ना और ज्यादा जगह बन गई है तुम्हारे लिए। दीदी बेटर ऑफ कोर्स, मैंने भाई ऑब्वियसली मैं बहुत उनको प्यार करता हूं, तो बहुत मेरा फेवरेट है मेरा। और आप इस का पॉडकास्ट में बोलो आप मुझे कब मिलते हो। सो बेसिकली राजीव ये डेयर था जिसमें लिखा था कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड को कॉल करके मुझे फैजू के बारे में बिच करना है, तो आई पास द डेयर। But thank you, Rajiv, for picking up the bro, call. Love you, Rajiv, bhai. Love you, bhai. Bye, Rajiv. We'll call you once it's over. For the next 3 minutes, say Jannat every time you finish a sentence. ठीक है, मैं समझ गया जन्नत। Okay. तो और क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत सही लाइफ चल रही है जन्नत। मुझे भूख लग रही है, हम कहाँ पर रुके कुछ खाने वाले हैं? कुछ भी अच्छा खाएंगे, टेंशन मत लो जन्नत। हम जाएंगे बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छा सा खाना खाएंगे जन्नत। अभी मत खोलना जन्नत। क्यों नहीं खोलूं? 3 मिनट हो जाने दो जन्नत। अच्छा, तो पूरा 3 मिनट तक के जाएगा ये? 3 मिनट तक का तो वेट करना पड़ेगा ना जन्नत। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तुमको उसका सिर्फ रॉन्ग आंसर देना है। ओह ये। ठीक है जन्नत। ठीक है। वन बेस्ट थिंग अबाउट यू? आई एम द मोस्ट हैंडसम गाय इन द वर्ल्ड जन्नत। तुम्हें सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में प्रॉन्स पसंद है जन्नत। ओके। तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है? मेरा फेवरेट गाना मुझे पता नहीं जन्नत। फेवरेट मूवी क्या है? मुझे पता नहीं जन्नत। ये पता नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा। फेवरेट मूवी मेरी साउथ की मूवी है जन्नत। कौन सी मूवी? मुझे याद नहीं है जन्नत। और हम यहाँ से घर कितने टाइम में चले जाएंगे? हम पिछले 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं जन्नत, 2 दिन बाद ट्रैवल करते करते घर पहुँच जाएंगे जन्नत। और जन्नत की सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज है जन्नत की स्माइल। जन्नत मतलब नहीं है? नहीं है। और सबसे खराब चीज क्या है?
सबसे खराब चीज है स्माइल जनरेट। I quit, sorry. अब बता तू इसको इसके सारे डेयर्स। Food challenge in car: eat an entire donut protein bar in 2 bites, 30 seconds. उसके लिए donut लेना पड़ेगा। Donut खा लोगे आप? ठीक है। जब donut लाएंगे तब लेंगे। लाओ इधर लाओ। ये donut और ये वाला हटा देता हूँ। ये तो गलत बात है। इसके लिए तो कुछ लिखेंगे। Switch driving. Oh no. नहीं करूँगी। करूँगी। खाना आने के लिए कम से कम 10-15 मिनट है। जब तक मेरे पास में कुछ रूमर्स है जो लोगों को लगता है कि ऐसा है क्या, वन लाइनर ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ। जब तक खाना आता है तब तक थोड़ा टाइम पास करते हैं, तो तुम इसका जवाब देना, ठीक है? डैड आपके हर शूट पर आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप घूम जाओगे। तो ये रूमर नहीं है। मोस्टली डैडी हर शूट पर आते हैं, और मतलब थोड़ा 2-3 साल पहले तो हर शूट पे ही आते थे। हाँ। या तो मम्मी आती थी या तो डैडी आते थे। हाँ। लेकिन अब हर शूट पर नहीं आते हैं। हाँ। अब कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ। हाँ। बट ऐसे कभी कुछ बहुत दूर है शूट। हाँ। या फिर टाइमिंग्स थोड़े और हैं। हाँ। तो वो रहते हैं। हाँ। वरना अब तो मैं जाती हूँ अकेले, तो अकेले थोड़ा सा। हाँ, लेकिन हाँ, बचपन में वो बहुत साल तक के एवरी डे विदाउट फेल मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने सेट पे। बट वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं घूम जाऊंगी, मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा, ध्यान देने के लिए, मतलब प्यार ही ऐसा है क्या? बोल सकते हैं, खा रही हूँ टाइम पे, धूप में शूट कर रही हूँ, सनस्क्रीन लगाया, मुझे अम्ब्रेला मिल रहा है, पानी इनफ पी रही हूँ, नारियल पानी पियो, एप्पल खाओ, ये सब चीजों के लिए। हाँ, वो सब कैरी करके लेके चलते थे, सब सब कुछ, पूरा पूरा आइस बॉक्स डेडी कैरी करते थे। और इनफैक्ट जब मुझे याद है कि जब सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगती थी। हाँ। तो कॉल टाइम 6:30 बजे का होता था, तो वो मुझे घर से उठाते नहीं थे, वो मुझे गोदी में लेके आते थे और गाड़ी की पीछे वाली सीट में सुला देते थे, और मेरा ब्रश और सब कैरी करते थे। और जब मैं पहुंच जाती थी शूट के ऊपर, फिर मुझे गोदी में उठाते थे और वैनिटी में ले जाके सुला देते थे, और जब बोलते थे कि जब शॉट रेडी होने वाला होगा तब मैं उसको उठाऊंगा। अच्छा, इतना कट टू कट। हाँ, तो मतलब वो चाहते थे कि जितना भी हो सके वो सो जाए, उसकी नींद मत खराब हो, अच्छे से पूरी नींद कंप्लीट होनी चाहिए एक पूरे दिन की। आयान और तुम बहुत ज्यादा ही, मतलब तुम लोग का नाक नक्शा इतना ज्यादा मिलता जुलता है, तो जब कभी तुम थकी होती हो तो क्या आयान तुम्हारा वीक पहन के शूट पे चला जाता है क्या? ऐसा लगता है तुमको? क्योंकि तुम लोग थोड़े अच्छा, एक मिनट रुको, तुम लोग के घर पे जब मैं आया था तो तुम लोग ने अपना आईफोन का फोन जो अनलॉक किया था। हाँ, एक ही शक्ल से किया था, एक ही शक्ल से किया था। हाँ। जो जब एक शक्ल आईफोन नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है तो लोग कैसे करेंगे वीक पहनने यार, बस शक्ल ही सेम है, बाकी वो मेरे से डबल हो गया है, पता है तुमको? हाँ, अभी तो चेंज हो गया। हाँ, तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है? जिसने भी क्वेश्चन लिखा है वो चाहिए मुझे। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो आउटफिट वेयर करते हो सोशल मीडिया के लिए, शूट्स के लिए, फिल्म्स के लिए, तो मतलब जो आप एक बार पहन लेते हो तो उसको वापस से रिपीट करते हो? हाँ, करते हो? क्यों नहीं करूंगी यार, मेरे को तो लगा कि 2 BHK का घर होगा जिसमें सिर्फ 2 BHK का वार्डरोब होगा जिसमें रेगुलर डेली आउटफिट फिट होते जा रहे हैं। नहीं, देखो क्या है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को कि एक बार पहन के यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और कितनी बार तो हम लोग स्टाइलिस्ट से स्टाइल होते हैं, डिजाइनर के कपड़े आते हैं, वो तो रिटर्न हो जाते हैं। ये भी वैसे ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल कपड़े रिपीट करती हूँ। बिग बॉस ऑफर हुआ था बट रिफ्यूज बिकॉज आपको लड़ना नहीं आता। ओह, ये सबसे बड़ा मिथ है फिर तो। ऐसा लगता है तुमको मुझे लड़ना नहीं आता? सवाल ही नहीं। नहीं, देखो, मैंने मेरी कभी ऐसे किसी से लड़ाई लड़ाई टाइप की लड़ाई नहीं हुई है। हुँ. कि मैं एकदम ही लड़ रही हूँ सड़क पे, लड़ रही हूँ किसी से, एकदम झगड़ा वगड़ा हो गया है, मारूंगी मारूंगी हो गया है, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। हुँ. लेकिन जब कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट करनी होती है तो मैं उसमें काफ़ी अच्छी हूँ। हाँ, मैं वो तो देख चुका हूँ खतरों में। मैं बहुत अच्छा आर्गुमेंट कब कब क्या मैंने खतरों में हुआ था? एक वो तो कुछ भी नहीं था, एक रूबीना के टाइम पे हुआ था, वो सिर्फ ट्रेलर था, एलिमिनेशन में नाम ले लिया था। तुमसे कोई आर्गुमेंट ही कब मेरे से नहीं हुआ था उस वक्त, बाकी लोग का नाम नहीं आया था। गुस्सा बहुत आया था इसके ऊपर उस टाइम पे, तो मेरा नाम ले लिया इसने। 10th में तुमको 91% आया था? नहीं, कितना आया था? 73 या 74 के आसपास आया था। अच्छा, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा 40 के अंदर ही आया। मुझे 12th में अच्छा आए थे एग्जैक्टली, तो मैं भूल गई यार, मेरे को 11th 79 नहीं 781 या कुछ आया था। 11th में आया था। अच्छा, 57 मेरे लिए तो अच्छा ही है।
तुमको 90 के ऊपर कभी आया है? हाँ, 94.5 में? 10th में नहीं, अभी बोला मैंने 73 आया ना. ये मैं आई थिंक 6th या 7th में आया था. 6th या 7th. हाँ, बट मुझे एग्जैक्टली याद 94.5 क्योंकि इतना अच्छा था तो मैंने उसका पॉइंट भी याद रखा है आज तक. जन्नत के ड्राइवर की इनकम क्या है? 2 लाख रुपया. मेरे ड्राइवर की इनकम? रंजीत की इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए महीना. रंजीत की नहीं पता मुझे. 2 लाख रुपए महीना? ए कौन बोला ये सब? रूमर्स है. अच्छा उसके लिए भी रूमर्स बन रहे रंजीत? देखो तुम्हारे पे भी रूमर्स बन रहे हैं. ड्राइवर है तो मतलब सवाल ही नहीं ना, उसको भी तो फेम गिरेगा ही ना. हाँ वो भी बहुत पुराना हो गया भाई. तो ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है. तो मतलब मुझे है, मतलब? पता नहीं है कि कितना पैसा उसको, उसकी सैलरी सब डैडी का काम है. गाइस 2 लाख नहीं, कम से कम 2.5 से 3 लाख तक में बात कर रहा है वो. मजाक कर रहा हूँ गाइस. ये सारा डिपार्टमेंट डैडी का है ना, तो ये सब हमें पता नहीं रहता है कि किसका क्या है. जन्नत स्लीप फॉर 5 आवर्स? नो. तो 5 घंटे अगर मैं सोऊंगी ना तो फिर दिन भर मैं ऐसे ही रहूंगी. मुझे नींद तो चाहिए, मुझे सोना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी दिन में नहीं सो पाती हूँ. तो मेरी जितनी भी नींद मुझे पूरी करनी होती है ना, वो मैं सिर्फ रात की नींद में ही पूरी कर सकती हूँ. जैसे कितने सारे लोग होते हैं, जैसे तुम खाते हो क्या, जब भी तुमको आधा 1 घंटा भी मिलता था तो तुम सो जाते थे. मेरी मम्मी भी वैसी हैं, वो दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेती हैं. हाँ, लेकिन मैं दिन में नहीं सो सकती. बहुत रेयर, अगर बहुत ही एक्सट्रीम थकी हूँ, तबीयत सही नहीं है, तब कभी सो जाती हूँ, वरना मैं दिन में कभी नहीं सो पाती. तो मुझे 9-10 घंटे तो मैं सो लेती हूँ एवरी डे. 10 घंटे सो लेती हो तो अच्छा यार. मैं डेली 8 घंटा तक सोता हूँ. कभी कदार मेरी नसीब अच्छी रही और मेरी आँख नहीं खुली तो मैं 9-10-11 घंटे तक सो लेता हूँ. बाकी खतरों में तुमने सच कहा, मुझे जब जब टाइम मिलता था तो आधे घंटे में टाइम निकाल के मैं सो ही लेता. जन्नत के पास उसके शू रैक में 100 से भी ज़्यादा जूते हैं, मतलब हील्स है, शूज़ है, सारे मतलब जितने भी. यस, 100 से भी ज़्यादा है. क्या बात है, ये रूमर नहीं थी. ये रूमर नहीं था. चलो गाइज, लास्ट ही वाला सही था. लास्ट वाला रूमर नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट सारे रूमर्स थे. ठीक है, बहुत अच्छा था. हमारे सवाल आज ख़त्म होते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे खाना खाएंगे. खाना खाने के बाद में हम कुछ 2-3 जो हमारे चीट्स वाले एक्टिविटी डेयर जो तुम्हें करना है वो कम्प्लीट करेंगे. तो एक काम करते हैं, वो जो अपना डोनट है ना, वो डोनट वाला मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैंसिल करके यहाँ पे कुछ मीठा मंगा लेते हैं. ठीक है. चिट बाउल का जो चैलेंज था गाइस, डोनट खाना था जन्नत को 20 सेकंड में. अभी वो तो नहीं मिला, मगर मट पाई मिला है. तो ये चॉकलेट मट पाई जन्नत को खाना पड़ेगा. तो लेट्स सी, ये 20 सेकंड में इसको टाइम मिला है. 20 सेकंड. सुनो, चाहे तो मुझे 2 मिनट्स दे दो, मुझे भी तो माइक दो. हाँ, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है और मुझे इतनी नींद आ रही है अब. ये मट पाई खाने के बाद में लग रहा है पूरे रास्ते गाड़ी में सोते हुए जाएगी. एक मिनट रुको. 3-2-1 एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. यार देखो उसको तो तोड़ने में मेरा टाइम चला जाएगा. 20 सेकंड है गाइस इसके पास में. कम ऑन जन्नत, कम ऑन. 13 सेकंड, 14, 15 सेकंड. हाँ अंदर गई, खा लो तुम 20 सेकंड में बस. 20 हो गया, स्टॉप. तो गाइज 21 सेकंड में गाइज इसने सिर्फ इतना सा खाया. कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा था. अच्छा था? Undoubtedly बहुत अच्छा था. वो पार्किंग का जो ट्रबल था वो वर्थ इट था. बट हो गया. हाँ. चलो अच्छा है. सो गाइज, जैसे कि चैलेंज था, ड्राइवर स्वॉप होंगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Let's go guys. क्या बात है, क्या बात है. So guys, हम लोग को गाड़ी चलाते चलाते सुबह से शाम हो गई है और जन्नत ने गाड़ी ली थी वर्ली से. वर्ली से चलाते चलाते हम लोग जन्नत के घर तक आ गए मलाड. और कॉन्ग्रेचुलेशन जन्नत, तुमने अपना लाइसेंस पास कर लिया है हाईवे का. वैसे तो तुमने 18 साल की उम्र में ही पास कर लिया था, बट आज तुमने हाईवे पे चलाया. और कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस था? हाउ इज इट? आई फील नाइस, क्योंकि हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला है. हमें खड़े तो एकदम भी नहीं रहना पड़ा. आई थिंक हम पहली जगह पर दूसरी जगह पर खड़े हो रहे हैं. स्लो मूविंग था, इतना भी स्लो मूविंग नहीं था. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम बिना ट्रैफिक में अटके ट्रैफिक टाइम पे इतना अच्छे से आ गए.
लेकिन हमें जाते वक्त ट्रैफिक मिला था तो आई थिंक कोई बात नहीं, इतना नॉर्मल ट्रैफिक तो चलता ही है। और बारिश भी हुई थी थोड़ी सी, हाँ, बट तुमने बहुत अच्छा चलाया। और इसी के साथ गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं मलाड और हमारा व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। कितनी बार बोल चुके हो, ये तीसरी बार मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम ही बहुत बचा हुआ है, हमने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया आज। और अब हम मिलेंगे अगले साल इंशाल्लाह सीजन टू में। बाय गाइस, लव यू ऑल।